नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, और इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेस लोको, जिसमें मेनली WAP7, WAP5 और WAG9 लोको आते हैं। उसके कैब में जो ए पैनल लगा हुआ रहता है, ये ए पैनल है। इस ए पैनल में कौन कौन सी चीजें लगी है और किस चीज का क्या काम है, उसको डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये पैनल जो दिख रहा है, ये है ए पैनल। और इस ए पैनल में सबसे पहले यहाँ पे जो ये चीज लगी है, ये यूबीए यूबीए मीटर, मतलब बैटरी वोल्टेज यहाँ पे इस मीटर में शो होता है। अब इस मीटर में आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट है और ये रेड लाइट है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये रेड लाइट पे यहाँ पे अगर ये नीडल आ गई है, तो इसका मतलब डेंजर जोन में हमारा बैटरी वोल्टेज चले गया है। और ये ग्रीन जोन में ही ये नीडल रहनी चाहिए, इसका मतलब हमारी बैटरी लोको की में जो लगी है वो हेल्दी कंडीशन में है। उसके जस्ट पास में यहाँ पे यू मीटर लगा है, यू मीटर या ओएची मीटर, इसमें हमारा ओएची का वोल्टेज शो होता है। इसमें भी देखिए, यहाँ इंडिकेशन है ग्रीन वाला, इसके रेंज में ही ये नीडल रहनी चाहिए, तो हमारा लोको नॉर्मली वर्किंग करेगा। अगर ये ऊपर चली गई या इसके नीचे आ गई, तो फिर हमारा वीसीबी ओपन होने की ट्रबल आएगी। उसके पास में यहाँ पे बोगी 1 और बोगी 2, ये देख सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है, मतलब बोगी 1 का TEB, मतलब ट्रैक टू एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट वाला ये मीटर है। ये बोगी 1 का ट्रैक टू एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट का मीटर है, और ये बोगी 2 का ट्रैक टू एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट का मीटर है। इसमें देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जो है, ये TE लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ट्रैक्टिव एफर्ट, मतलब आगे की तरफ हमारा लोको चलेगा। और नीचे बी लिखा है, मतलब ब्रेकिंग एफर्ट, मतलब ब्रेकिंग करेंगे तो लोको रुकेगा। तो ये दोनों मीटर का वर्किंग सेम है, लेकिन अलग अलग बोगी के लिए ये लगे हुए हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं बोगी मीटर के बाद में यहाँ पे ये LSDJ का एक लैंप लगा हुआ है, जो कि वीसीबी ओपन कंडीशन में ये ग्लो करेगा। इसका मतलब वीसीबी ओपन है, और जैसे ही वीसीबी क्लोज करेंगे तो ये लैंप बुझ जाएगा। इसका मतलब हमारा वीसीबी क्लोज है, तो अभी ये ग्लो कर रहा है, मतलब वीसीबी ओपन है। और इसके जस्ट पास में LSHO लैंप लगा हुआ है, तो LSHO लैंप जो लोको में होटल लोड कन्वर्टर लगा रहता है, उसका वर्किंग यहाँ पे शो करता है। अगर ये लैंप जल रहा है तो हमारा होटल लोड वर्किंग कंडीशन में है। मेनली ये WAP7 में ही रहता है, अभी कुछ WAP5 लोको में भी होटल लोड लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो ये पायलट लैंप है, LSP, मतलब लोको में जब भी व्हील स्लिप आएगा किसी भी कारण से, तो ये लैंप जलेगा, और फिर व्हील स्लिप जब लोको में बंद हो जाएगा आना, तो ये लैंप बुझ जाएगा। उसके पास में LSAF, मतलब जो है ट्रेन पार्टिंग होगी या किसी भी कारण से जो है बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा, तो ये लैंप प्रकाशित होगा, जिससे हमको इंडिकेशन मिलेगा कि या तो लोको ट्रेन में कहीं पार्टिंग हुआ है, और या फिर बीपी हमारा किसी भी कारण से ड्रॉप हुआ है, तो लैंप जलेगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो LSCE, ठीक है, मतलब जब भी मशीन रूम का टेम्परेचर 70 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो ये लैंप प्रकाशित होगा, और उस कंडीशन में हमको लोको को खड़ा करके लोगों को कूलिंग मोड में डालना पड़ेगा। कूलिंग मोड क्या होता है वो हम आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट ये है BL की तीन पोजीशन है, देखिए, एक ये ऑफ है, यहाँ पे D मतलब ड्राइविंग मोड, और यहाँ पे C मतलब कूलिंग मोड। जो अभी कूलिंग मोड की हम पहले बात कर रहे थे, इस चाबी को हम C तरफ लाएंगे तो लोगों को कूलिंग मोड में हम चालू कर सकते हैं, जिसमें केवल वीसीबी क्लोज होगा और जो है मशीन रूम ब्लोअर्स चलेंगे, जिससे कूलिंग होगा मशीन रूम का। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए ZPT स्विच है, जो कि पेंटो अप और डाउन करने के काम आता है। नीचे करेंगे तो पेंटो अप और ऊपर करेंगे तो पेंटो डाउन होगा। उसके जस्ट पास में यहाँ पे एक BLDJ स्विच है, इसकी भी पोजीशन ऑन और ऑफ है। ऑन करेंगे तो वीसीबी क्लोज होगा, और ऑफ करेंगे तो वीसीबी ओपन होगा। ये BLCP स्विच है, जिसकी तीन पोजीशन है, ऑटो, मैन और ऑफ। ऑटो पे मतलब कंप्रेसर अपने आप कट इन कट आउट होता रहेगा, इसकी एक सेटिंग रहती है 8 से 10 के बीच में, तो ये अपने आप कट इन कट आउट होता रहेगा। जब ये अपने आप कट इन कट आउट ना हो, कुछ खराबी आ जाए, तो इसको मैन पे करके हमको
कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने पड़ते हैं। बीएलएचओ हमने जो अभी एलएसएचओ लैंप बताया था, ये एलएसएचओ लैंप बताया था, इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो होटल लोड चालू होगा और उसके बाद ये लैंप जलेगा, एलएसएचओ लैंप जलेगा। अब उसके बाद में ZTEL स्विच है, जिसके अभी फिलहाल में कोई इस पैसेंजर लोको में इसका कोई वर्किंग नहीं होता है, गुड्स लोको में ज्यादातर स्पीड रिस्ट्रिक्शन के लिए काम में आता है। इसकी डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। यहाँ पे ZBAN स्विच है या बैंकिंग मोड ऑपरेशन का स्विच है, जो कि पैसेंजर लोको में इसको आइसोलेट किया रहता है, गुड्स लोको में ही काम आता है। जब भी लोगों को बैंकिंग में यूज किया जाता है तो इस स्विच को ऑन किया जाता है। सो आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे BPCS मतलब कांस्टेंट स्पीड के लिए पुश बटन टाइप का है। जब भी लोगों को आपको किसी भी स्पीड पे कांस्टेंट रखना हो, उसकी स्पीड मान लीजिए 50 की स्पीड पे आपको चलाना है और 50 की स्पीड आते ही इसको आप दबा के छोड़ देंगे तो लोगों को 50 की स्पीड पे ही चलता रहेगा, उसके लिए पुश बटन है। किसी भी स्पीड पे आपको अगर वो स्पीड कांस्टेंट रखनी है तो इस पुश बटन को उस स्पीड पे दबा दो तो वो लोको उसी स्पीड पे चलता रहेगा जब तक आप इसको नॉर्मल नहीं करेंगे। यहाँ पे BPPB मतलब पार्किंग ब्रेक के लिए पुश बटन रहता है, जो कि WAP7 लोको है तो इसमें पार्किंग ब्रेक नहीं है, इसलिए यहाँ से इसको हटा दिया गया है। WAP5 और WAG9 लोको होगा तो उसमें यहाँ पे एक और पुश बटन रहेगा पार्किंग ब्रेक अप्लाई और रिलीज के लिए। BPVR मतलब विजिलेंस रिसेट, अगर लोको में VCD किसी भी कारण से ऑपरेट हो जाती है तो उसको कुछ समय के बाद रिसेट किया जा सकता है, वो इस स्विच की मदद से ही किया जा सकता है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ LSVW मतलब VCD का वार्निंग लैंप है, जो कि हर 60 सेकेंड के बाद आपको एक वार्निंग देगा अगर आपने लोको में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया तो, कि आपको कोई ऑपरेशन करना है और ये जलेगा और बुझेगा तो एक वार्निंग टाइप का देगा 60 सेकेंड के बाद के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई ऑपरेशन करना ही रहता है। ठीक है, उसके जस्ट यहाँ पे पास में देखिए BPEMS इमरजेंसी पुश बटन है। अगर आपको लगता है कि वर्किंग के दौरान कोई भी इमरजेंसी है, सामने कोई जानवर आ रहा है या कोई गाय आ रही है या कोई OHE टूटी हुई है, किसी भी तरह की इमरजेंसी है, ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको सडनली दबाएंगे तो लोको का पेंटो डाउन और VCB ओपन और लोको ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे तो लोको वहीं रुक जाएगा। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा जो है, एक एडिशनल LSDJ लैंप लगा है। ठीक है, उसके बाद ये एडिशनल BLK लगी है, जो कि पुश पुल के समय ये सब काम में आते हैं, उसके डिटेल वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो में जो हमने आपको बताया कि थ्री फेस लोको के ए पैनल में क्या क्या लगा है और उसका क्या क्या वर्किंग है, ये आज हमने इस वीडियो में आपको बताया है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। सो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के और भी वीडियो की जानकारी मिल सके।